खरगोश की पेरेंटिंग करते हुए हमें लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। खरगोश खरगोशनी का जोड़ा हम लेकर आए थे। खरगोश का नाम चीकू है और मिकी खरगोश फीमेल है, और उनसे 5 बच्चों का जन्म हुआ है। ये देखिए, 2 गोद में है अपनी पेरेंट के, जो उनकी पेरेंटिंग करती हैं, और 3 में से 1 बाकायदा पानी पी रहा है। पानी पीने का भी अभ्यास कराना पड़ा इन बच्चों को। इन्हें घास भी खिलाते हैं, बहुत पतली वाली, और हे जो है वो भी खिलाते हैं। हे ऑनलाइन मंगा कर जो हम रखते हैं उसका सबसे नाजुक हिस्सा इनको देते हैं, और इसके अलावा जो घास खास तौर पर दूब है वो खिलाया जाता है इनको। लेकिन इन्हें मदर मिल्क से अभी हम वंचित नहीं कर रहे हैं। शुरुआती दौर में 2-3 दिन तक, चूँकि पहली बार मिक्की माँ बनी थी तो उसे समझ में नहीं आता था, तो हमने उसे पकड़कर, उसके कान को पकड़कर, उसे आड़ा लेटाकर बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश की। लेकिन एक इन बच्चों में से सबसे कमज़ोर था, तो हमें मजबूरन उस बच्चे को पहले दिन गाय का दूध पतला करके पिलाना पड़ा। उसके बाद में उसे बकरी का दूध पिलाना शुरू किया, और लगभग 1 हफ्ते तक हम उसको बकरी का दूध पिलाते रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो गया। इन्हें 1 हफ्ते भर के अंदर इनके बाल आने शुरू हो गए थे। इसके बाद में ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी इनकी शारीरिक विकास की जो वृद्धि दर है वो बहुत तीव्र है। ये पानी भी पीने लगते हैं, समझते भी हैं, उछल कूद भी मचाते हैं, और इन्हें डाइट में हम निरंतर इनको दिन में 2 से 3 बार इनको घास का चारा खिलाने के लिए, जो सामने आप देख रहे हैं उस बकेट में डाल देते हैं। घास खाते हैं ये, और कुछ फ्रूट्स डाल देते हैं इनको। ख़ास तौर पर पसंद है एप्पल के छोटे छोटे पीस। इसके अलावा ये गाजर भी अपने स्तर से जितना ये खा सकते हैं, गाजर भी कुतर कुतर के खाना इनको पसंद है। इनके दांतों में एक अजीब तरह की, ऐसा लगता है कि खिंचाव पैदा होता है जैसे बच्चों को होता है, तो ये अभी अपनी पेरेंट्स के, पेरेंटिंग करने वाली जो माँ है हमारी वाइफ सुलभा, उनकी चूड़ियों को ये दांतों से उस पे दांत गड़ा रहे हैं, और ये निरंतर रूप से इसी तरह का काम करते हैं। और सारे के सारे जो खरगोश हैं एक साथ मिसेस की गोद में, कई बार मैं देख चुका हूँ कि एक आता है उसके बाद सारे खरगोश आ जाते हैं। लेकिन शर्त उनकी यही रहती है कि वो झूला नुमा उसे, इन खरगोशों को जगह चाहिए, इसे साड़ी पहनकर इनको बाकायदा अपनी गोद में रखती हैं काफ़ी देर तक, यहाँ तक कि लिकिंग भी बहुत करते हैं ये, बहुत लिक करते हैं। लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा अपना दांत भी गड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इनको समझ में आता है कि ये पेरेंट हैं हमारे, तो फिर ऐसा नहीं करते। और खुशबू से ये बहुत जल्दी पहचानते हैं। मेरे पास ये बच्चे कम रहते हैं, जबकि इनके पेरेंट जो हैं, मदर फादर जो हैं, वो मेरे पास ज़्यादा समय बिता देते हैं। चीकू और मिकी दोनों मेरे पास में पर्याप्त समय स्पेंड करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपसी संवाद हो रहा है, उसे चूमा जा रहा है, और पीछे भी आने की कोशिश हो रही है। सबसे ज़्यादा ये जो खरगोश चढ़ रहा है गोद में, ये बार बार चढ़ता है। और अब श्रीमती जी ने मिक्की को लेकर आई हैं, और मिक्की इनको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी। मिक्की जो है वो, उसको इनके दांत भी गड़ते, इसलिए थोड़ा असहज हो जाती है, क्योंकि अब इनके दांत बड़े हो गए हैं।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक महीने तक इनको मदर मिल्क दिया जाए। और अच्छा खासा डाइट है मिक्की का, और मिक्की जो है प्रोटीन आहार ज़्यादा ले रही हैं, ही भी खा रही है, ग्रीन ग्रास भी खा रही है, इसके अलावा हम चने भी देते हैं, प्रोटीन युक्त आहार भी इनको मिक्की को देते, इससे इनका दूध ज़्यादा बनता है। उनको और कई बार तो मैंने भी कोशिश हैं की कि मिक्की। मिक्की को गोद में बिठाऊं, और गोद में जब मैं इसको सीने से लगा के और प्यार करता हूं तो इसका जो मिल्क है वो रिस के हमारे शरीर पे आ जाता है। इसका मतलब है कि बच्चों के लिए पर्याप्त खुराक तैयार करने में इनकी मदर की डाइट को मजबूत रखना चाहिए। बाकायदा ये बच्चों को बड़े शांति से तब तक दूध पिलाती जब तक कि बच्चे उसे दांतों से काटे ना, लेकिन बच्चे अक्सर उनको दांत से काट देते उसके ब्रिस्ट को, इससे उसको तकलीफ होती और वो उचकने लगती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए।